जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, के एस पी ऑफ जेड आर थ्री पी ओ फोर प्रोडक्ट फोर इन टर्म्स ऑफ सोल्युबिलिटी एस इज कितना होगा। सोल्युबिलिटी निकालना है तो हमारा जेड आर थ्री पी ओ फोर फोर एस ये हमें क्या देता है, थ्री जेड आर फोर पॉजिटिव प्लस ये हमारा क्या है अक्वस प्लस में क्या हो जाएगा ये फोर मोल्स ऑफ पी ओ फोर थ्री नेगेटिव अक्वस। ठीक है, टी इक्विलिब्रियम पे ये हमारा क्या हो जाएगा, टी इक्विलिब्रियम जीरो यानी जीरो पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा ए और ये हमारा कितना हो जाएगा ये थ्री एस क्योंकि थ्री मोल्स है तो थ्री एस और ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस ये हमारा कितना है फोर मोल्स है तो फोर एस। ठीक है, एट टी इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, टी इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा ए माइनस एस और ये कितना प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक है, इक्विलिब्रियम जीरो इनिशियली ए होगा ये हमारा जीरो हो जाएगा नील नील हो जाएगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, थ्री एस ये हो जाएगा फोर एस। ठीक है, नील है यहाँ पे तो यानी कि के एस पी की जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, जेड आर फोर पॉजिटिव कंसनट्रेशन के पावर थ्री पी ओ फोर थ्री नेगेटिव कंसनट्रेशन के पावर कितना फोर, यानी कि जो हमारा ये के एस पी क्या हमारा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्या है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ से हमारा के एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितना देगा, थ्री एस के पावर कितने थ्री फोर एस के पावर फोर, इसको सॉल्व करने में आया था थ्री के पावर थ्री एस के पावर क्यूब फोर के पावर फोर एस के पावर फोर, यानी यहाँ से आएगा 27 इंटू 256 इंटू एस के पावर सेवन, यानी कि जो यहाँ से के एस पी की जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6912 एस के पावर सेवन, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आ गया, ये है वेयर एस इज इक्वल टू क्या है हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यानी कि हमारे के एस पी की वैल्यू फाइंड करना था तो ये हमारा आ गया 6912 एस के पावर सेवन। तो ऑप्शन अगर हम अपने आंसर के साथ मैच करेंगे तो सी के साथ मैच कर रहा है तो सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।